अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर से होंगे। मैं भी खैर से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन के पराठे टमाटर की चटनी के साथ। तो जी, अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो जल्दी से कर लेता कि मेरे आने वाले हर वीडियोस आप तक पहुँचे। तो इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं। यहाँ मेरे पास जो है वो 2 कप बेसन है, और साथ में मैं इसके 1 कप आटा लूँगी, जो जिसके हम घर पर रोटियाँ बनाते हैं वो। 2 कप बेसन के साथ 1 कप आटा, और साथ ही मेरे पास इधर स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में मेरे पास है 1 चम्मच जो है वो नमक है। नमक आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। साथ ही इसके पास मेरे पास एक भुना हुआ जीरा है 1 चम्मच, और चाट मसाला है वो भी 1 चम्मच है। एक और इसके साथ ही मेरे पास 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया है, जिसको मैंने मोटा मोटा जो है चॉप कर लिया है। छोटी 1 पिंच के करीब मैंने यहाँ पर अजीनोमोटो का लिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच जो है मेरे पास वो पिसी हुई लाल मिर्च है। साथ ही 1 चाय का चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। हल्दी जो है मैंने आधी चम्मच ली है, क्योंकि ये तेज़ हल्दी है मेरे पास, तो मैंने आधी चम्मच ली है। 1 बड़ी हरी मिर्च है मेरे पास, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। सूखा हुआ पुदीना है मेरे पास, आप धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया, आप डाल सकते हैं। अजवाइन है 1 चम्मच, जिसको मैंने जो है वो मोटा मोटा हाथों से जो है वो पीस कर वो डाल दिया है। 1 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज है, उसको जो है मैंने चॉप कर लिया है। और साथ ही अब मैं इसके साथ अब बेसन जो है वो छान लूँगी। बेसन छानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर गुठलियाँ ना बनी रहे, और जो है कोई गन वगैरह होता है, कोई कीड़ा आ जाता है तो वो भी ना आए। तो बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है। बेसन मैंने छान लिया है, साथ ही 1 कप मेरे पास जो है वो आटा है। अब मैं ये आटा भी इसके साथ छान लूँगी। दोनों चीज़ें जो है मैंने छान ली है। अब इसके अंदर जो है मैं होल स्पाइसेस डाल दूंगी। यहाँ मैं अपनी प्याज और अजवाइन भी डाल दूंगी। अजवाइन आप स्किप भी कर सकते हैं, अजवाइन जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है बेसन के पराठों में। तो ट्रेडिशनल डिश है तो अजवाइन जो है वो मुझे अच्छी लगती है बेसन के पराठों में। आप अगर डाल सकते हैं तो डालना, नहीं डालना है तो आप ना डालें, ये आपके ऊपर है। अगर डालेंगे तो उससे टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। साथ ही यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच जो है वो घी के ले लूँगी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने घी लिया है। मैं जी इनको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करके जो है मैं इसका स्लो स्लो पानी डाल के जो है वो मैं इसका आटा गूंद लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास नीम गर्म पानी है, तो आप नीम गर्म पानी में आटा गूंदेंगे तो आटा बहुत ज़बरदस्त गूंदेगा। ठंडे में भी गूंद सकते हैं, लेकिन नीम गर्म से जो है वो काम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर देखें आप, जिस तरह मैं बिल्कुल स्लो स्लो पानी डाल के गूंदो, एक साथ पानी नहीं डालना है, स्लो स्लो पानी डाल के आपको आटा गूंदना है। तो यहाँ जी हम मिलते हैं अपना आटा गूंदने के बाद। तो जी हाँ, मेरा आटा गूंद चुका है, देखें इसमें शाइनिंग भी आई है। और जो है अब मैं इसको ढककर जो है 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। साथ ही मैं अपनी चटनी तैयार कर लेती हूँ टमाटर की। यहाँ मैंने एक पली का हिसाब आप ले लें तो मैंने यहाँ पर 1 पली जो है वो ऑयल की ली है, कुकिंग ऑयल, और 1 मीडियम की साइज़ की प्याज है, जो कि मैंने उसको फाइन कट कर लिया है, उसको मैंने स्लाइस में, और मैं इसको जो है वो लाल करूँगी। तो जी मेरी प्याज जो है वो लाल हो चुकी है। साथ ही 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है अपने अच्छी तरह से इसको चलाऊँगी, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, 1 हरी मिर्च है मेरे पास, और 3 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं। इनको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से जो है मैं चलाऊंगी। टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे और इसी में गल जाएंगे। और साथ ही 1 चम्मच जो है मैंने इधर लहसुन अदरक का डाला है। अब इधर मेरे पास 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ ही मेरे पास 1 पिंच जो है वो अजीनोमोटो का है, और नमक हल्की ज़रूरत है, यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है, ये डाल दूँगी। मैं अच्छे से भून लूँगी इन सब चीज़ों को। और ढककर इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है पकाऊंगी, ताकि हमारे टमाटर जो है उसी में गल जाएं। ये 5 मिनट के बाद जो है मैं इनको अच्छे से चॉप कर लूँगी अपने स्पैचुला की मदद से, ताकि हमारे टमाटर जो है वो कच्चापन उसमें ना रहे।
और साथ ही मैं इसके अंदर जो है आधा कप पानी ऐड कर दूंगी। तो जी जब तक हमारी चटनी यहाँ पर पक रही है, तैयार हो रही है, मैं यहाँ पर अपने पराठों की तैयारी कर लेती हूँ। तवा जो है मैंने रख दिया है स्टोव पर गर्म होने के लिए। यहाँ पर मेरे पास 6 बड़े साइज़ के जो है मेरे पास पेड़े बने हैं आटे के, जितना मैंने आटा गूंदा था उसके आप छोटे बड़े भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 लिए हैं बड़े अदद, ताकि इसको ज़्यादा जो है बेला नहीं जाता है, टूटने का डर होता है, इसलिए इनको हल्के हाथ से बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस कर करके जो है आप इसके चंगेर बनाएं, जैसे कि आप जो बोलते हो हम चंगेर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है जी हल्के, बिल्कुल मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है मैं इसको पकाऊंगी अभी, ताकि ये अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। मैं ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाऊंगी, यहाँ मैंने छोटे साइज़ के पराठे बनाए हैं, आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। हल्का हल्का जो है यहाँ पर मैं घी लगाऊंगी ब्रश की मदद से, इसमें ज़्यादा घी जो है नहीं लगता, ये मुलायम बनते हैं। ज़्यादा घी लगाएंगे तो वो चूरचूरे टाइप हो जाएंगे, तो यहाँ पर मुलायम मुझे बनाने हैं, इसलिए मैंने यहाँ कम घी लिया है। ये मेरा पराठे जो है यहाँ पर तैयार है, और यहाँ मेरे साइड पे चटनी भी तैयार है। तो यहाँ पर जी आप कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने थे, ट्रेडिशनल डिश है, हर किसी की फेवरेट होती है, बच्चे बड़े सबकी। तो जी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।